नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों गूगल ने फाइनली एंड्रॉयड पी का डेवलपर प्रीव्यू रिलीज़ कर दिया है। दोस्तों इसे आप अपने पिक्सल डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड पी दोस्तों आपको बहुत सारे नए फीचर्स के साथ आने वाला है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसे हम तक पहुँचने में भी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों अभी एंड्रॉयड ओडियो ही पूरी तरीके से हमारे एंड्रॉयड डिवाइस में रिलीज़ नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, गूगल अपना काम कर रहा है और दोस्तों उसने एंड्रॉयड पी का डेवलपर प्रीव्यू रिलीज़ कर दिया है। अगर दोस्तों आपको पूरा एंड्रॉयड पी का डेवलपर प्रीव्यू चाहिए तो आप उसे रूट करके अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि उसके कुछ छोटे छोटे फीचर जो कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं बिना अपने फ़ोन को रूट किए हुए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फीचर दोस्तों एंड्रॉयड पी का वो है दोस्तों पिक्सल लॉन्चर। इस बार का जो पिक्सल लॉन्चर दोस्तों वो काफ़ी नया है और दोस्तों काफ़ी फास्ट है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन को एंड्रॉयड पी जैसा कस्टमाइजेशन देना है। तो इस बार के पिक्सल लॉन्चर में भी कोई इतना ज़्यादा खास चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन हाँ दोस्तों एंड्रॉयड पी का नया फीचर है तो मेंशन करना ज़रूरी था। आपको इसकी डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ दूसरा फीचर है दोस्तों एंड्रॉयड पी का, उसके वॉलपेपर्स। तो दोस्तों इस बार का जो वॉलपेपर है एंड्रॉयड पी का वो दोस्तों काफ़ी मुझे पसंद आया। दोस्तों काफ़ी फंकी लुक देता है और दोस्तों मेरे फ़ोन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन को एंड्रॉयड पी जैसा कस्टमाइजेशन दे ही रहे हैं, दोस्तों मैं आपको ज़रूर से कहूँगा कि आप इन वॉलपेपर को भी अपने फ़ोन में यूज़ ज़रूर करिएगा। दोस्तों इन सारे वॉलपेपर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो दोस्तों आप वहाँ से इसे अभी को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा फीचर है दोस्तों साउंड बार का। एंड्रॉयड ऑडियो तक दोस्तों हमें जब भी वॉल्यूम कंट्रोल करना होता था तो हमें जो साउंड बार दिखता था दोस्तों हमें वो फ़ोन के एकदम टॉप पे दिखता था, लेकिन दोस्तों एंड्रॉयड पी के बाद से जो हमारा साउंड बार होगा वो हमें फ़ोन के बॉटम में राइट हैंड साइड दिखेगा, जहाँ पर दोस्तों आपको हमें अलग अलग प्रकार के साउंड बार के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ब्लूटूथ, डायलर, मीडिया, जहाँ पर हम एक ही जगह पर इन सब के साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस फीचर के लिए दोस्तों आपको सिंपली एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है दोस्तों एंड्रॉयड पी वॉल्यूम स्लाइडर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहां पे सारे ऑप्शन को यहां पे इनेबल कर देना और यहां पे आप रिप्लेस हार्डवेयर वॉल्यूम की को भी इनेबल कर देना। और यहां पे इनेबल करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आप जब भी अपने वॉल्यूम की को यहां पे प्रेस कीजिएगा वॉल्यूम बढ़ाने घटाने के लिए, तो आपको एकदम एंड्रॉयड पी जैसा यहां पे वॉल्यूम स्लाइडर मिल जाएगा आपके फ़ोन के बॉटम राइट हैंड साइड पे। चौथा फीचर है दोस्तों नॉच का। दोस्तों मुझे इस फीचर के बारे में उतना ज़्यादा पता तो नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों मैंने ये देखा है कि दोस्तों एंड्रॉयड पी में नॉच का फीचर भी अप्लाई होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस आ रहे हैं वो दोस्तों नॉच के साथ होंगे। तो होप दोस्तों गूगल इसका कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको दावे से नहीं कर सकता दोस्तों इसका क्या फीचर, लेकिन हाँ ये लुक अच्छा देता है आपके फ़ोन को, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @technihal। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।